सो हेलो गाइज, अभी सुबह का 4 बज रहा है। आप लोग को पता ही होगा कि मैं आजकल कितना सुबह उठता हूँ, कितना मेहनत करता हूँ। ये तो क्या आप लोग को दिख ही रहा होगा कि मेरा आँख एकदम लालम लाल है। भोसड़ी के झूठ क्यों बोल रहा है, 4 नहीं 12 बज रहे अभी। देख 12 बज रहे, तुझे पता है मुझे पता है, लेकिन ऑडियंस को थोड़ा ही पता है। अबे चूतिए, तू चूतिया है, मैं चूतिया हूँ, लेकिन ऑडियंस थोड़ा ही है। गजब बेइज्जती है। सो गाइज, मैं अभी नया कपड़ा लगाकर आ गया हूँ, तो आज मैं सब गरीबों का मदद करने वाला हूँ। आज तो मैं गरीब हूँ वाला डायलॉग सब खत्म होने वाला है। सो गाइज, थोड़ी देर में मिलते हैं। सो गाइज, आप लोग को पता ही होगा कि आजकल मैं DSLR कैमरा से रिकॉर्ड करता रहता हूँ। सो गाइज, मुझे फाइनली एक गरीब मिल चुका है। सो गाइज, मैं इसका मदद करने वाला हूँ, आप लोग रेडी हो जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो ब्रो। अबे भोंसड़ी के, तू गरीब होगा, तेरा पूरा खलदान गरीब होगा, लेकिन मैं राजा हूँ, राजा इस पूरा देश का हूँ मैं राजा। अच्छा तुम राजा हो? तुम राजा तो गाइस ये राजा है गाइस। तो गाइज, आप लोग को पता ही होगा कि मेरा कितना ज़्यादा इज्जत है। तो गाइज, इससे ज़्यादा मुझसे गरीब का हेल्प नहीं होने वाला। तो चलिए गाइज, अब हम अपना मेन टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक है क्या है भोसड़ी का हमारा मेन टॉपिक? हाँ तो गाइज, हमारा मेन टॉपिक है कैरी मिनाटी से मिलना। तो गाइज, मैं थोड़ी देर में आप लोग को उनसे मिलाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज, ये रहे कैरी मिनाटी। तो कैरी सर, आपका फेमस डायलॉग हो जाए, चल आजा भोसड़ी के। क्या कैरी सर, ये कौन सा डायलॉग बोल रहे हो? पहला वाला डायलॉग बोलो। प्लीज सर, प्लीज बोलिए ना सर यार। ओके चल सुनाता हूँ। तेरी माँ की चू। ये क्या सर, आप मुझे गाली दे रहे हो? मुझे शंका लग रहा है कि आप कैरी नहीं हो। अभी समझा तू? तो कौन है तू? मैं कैरी मिनाटी का जुड़वा। क्या? हाँ, जब मैं छोटा था तो मैं दिन रात पढ़ता था, दिन रात, और वो पूरा दिन गेम खेलता था। अभी वो क्या है, छोटा मोटा यूट्यूबर, और मैं बड़ा कंपनी का मालिक। अभी वो महीने का 5 लाख कमाता है और मैं दिन का 10 लाख कमाता हूँ। अबे ये क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं सर। अब बस भोसड़ी के जाके पोछा लगा। ओके सर, मैं अभी जाके काम करता हूँ सर। ओके ओके सर, ओके ओके सर। इसीलिए दोस्तों, किसी को कम मत समझना। आपका जो इंटरेस्ट है वही करना। आप एक दिन न एक दिन अपने लक्ष्य में जरूर पहुंचोगे। आप एक दिन जरूर सफलता हासिल करोगे।